तो वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पाइथन की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, जिसका नाम है पाईस्क्रिप्ट। पाईस्क्रिप्ट है क्या चीज, और यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस में आपको सुनने को मिलेगा पाईस्क्रिप्ट आ गया, पाईस्क्रिप्ट आ गया, पाईस्क्रिप्ट ने जावास्क्रिप्ट को पूरा बीट कर दिया, जावास्क्रिप्ट अब नहीं रहा, पाईस्क्रिप्ट उसकी जगह लेने वाला है, ये सारी बातें आपने सुनी होगी। तो आज के वीडियो में हम जानते हैं आखिर पाईस्क्रिप्ट है क्या चीज, ये क्या जावास्क्रिप्ट को फ्यूचर में बीट कर सकता है कि नहीं, क्या आप अगर बिगिनर हो, अगर वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो क्या आपको पाईस्क्रिप्ट सीखना चाहिए, जावास्क्रिप्ट सीखना चाहिए, इन सारे क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात, ये पाईस्क्रिप्ट है क्या चीज। जैसा कि आपको पता होगा, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन के बहुत सारे फ्रेमवर्क आते हैं, लाइक अगर वेब डेवलपमेंट में देखा जाए तो जेंगो आता है, फ्लास्क आता है, बहुत सारे आपको फ्रेमवर्क देखने को मिल जाते हैं। वैसे ही पाईस्क्रिप्ट आया है जो कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, आपके क्लाइंट साइड पे रन करता है। जैसा कि आपको पता होगा, जावास्क्रिप्ट जो है आपके क्लाइंट साइड पे रन करता है, आपके क्लाइंट साइड में अगर वेबसाइट को अगर जान देनी हो, अगर उससे इंटरेक्ट करना हो क्लाइंट साइड पे, नॉट अ डेटाबेस यूजेज, डेटाबेस का यूज ना करके क्लाइंट साइड पे अगर आपको अपना वेबसाइट इंटरेक्टिव बनाना है तो आप जावास्क्रिप्ट का यूज करते हो। सेम उसकी जगह आज तक कोई नहीं लिया था, बस उस फील्ड में क्लाइंट साइड पे वर्क करने के लिए, क्लाइंट साइड पे स्क्रिप्ट लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट इकलौता बेताज बादशाह था। लेकिन अब ये इस गेम में आ गया है पाइथन। पाइथन अपना पाईस्क्रिप्ट मॉड्यूल, अपना फ्रेमवर्क लेके आ गया है जो कि फ्यूचर में जावास्क्रिप्ट को बीट कर सकता है। क्योंकि आपको पता होगा यार, पाइथन काफी फेमस, काफी पॉपुलर मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हर जगह पाइथन का यूज होता है, लाइक आपका मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, हर एक चीज में पाइथन का यूज होता है। और पाइथन के एनाकोंडा जो कम्युनिटी, आपको एनाकोंडा के बारे में पता होगा, जो जैसा कि आपको पता होगा एनाकोंडा जो एनाकोंडा आपका जो वो है मॉड्यूल है आपका, का मतलब एनाकोंडा जो है वो उसकी कम्युनिटी काफी तगड़ी है, वो आपके मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित सारे टूल्स वगैरह जैसे पांडा वगैरह हर चीज का कलेक्शन रखता है। आप एनाकोंडा इंस्टॉल कर लो, आप में मशीन लर्निंग वगैरह अगर आप करते हो तो एनाकोंडा पे मतलब एनाकोंडा इंस्टॉल करना पड़ता है, उसमें सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं। तो एनाकोंडा काफी बड़ी कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी ने पाईस्क्रिप्ट को डेवलपमेंट कर स्टार्ट किया है, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा पाइथन ओपन सोर्स है, तो यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रीब्यूट करके अपना एक फ्रेमवर्क, एक मतलब अपना लाइब्रेरी ला सकता है। तो वैसे ही मतलब तो यहाँ पे पाईस्क्रिप्ट कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा इंडिविजुअली ऐसे लेके आ गया है ये चीज, क्योंकि ओपन सोर्स से कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन ये पाईस्क्रिप्ट के साथ नहीं है। पाईस्क्रिप्ट को एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी ऑन कर रही है जिसका नाम है एनाकोंडा। तो ये यार फ्यूचर में जावास्क्रिप्ट को भी बीट कर सकता है, क्योंकि आपको पता होगा यार पाइथन इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है और इतनी बेहतर लैंग्वेज है कि मतलब ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पीछे छोड़ के रखी है आज के डेट में। तो पाईस्क्रिप्ट पाइथन का एक फ्रेमवर्क है, एक मॉड्यूल है, तो ये फ्यूचर में आपके जावास्क्रिप्ट को भी बीट कर सकता है। तो पाइथन डेवलपर्स के लिए, पाइथन लवर्स के लिए काफी अच्छी न्यूज है। अगर आप वो वेब डेवलपमेंट में काम करना चाहते हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट में भी आपका यूज आता है जेंगो फ्लास्क वगैरह, तो आपको पाईस्क्रिप्ट भी सीख लोगे, आपको बहुत ईजी रहेगा, तो आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी आपको जावास्क्रिप्ट सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काफी बेहतर चीज है यार, मतलब आपके मतलब वो जो करियर में ना फ्यूचर में बूम ला सकता है पाइथन डेवलपर के। तो ये चीज बहुत अच्छी चीज निकल के आ रही है और ये अभी अल्फा फेज में, इसका वेबसाइट आपको मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे शो करा रहा हूँ, आप देख सकते हो, ये अभी अल्फा स्टेज में, अभी बीटा आएगा, फिर स्टेबल आएगा, स्टेबल आएगा, अब आई थिंक 2-4 महीने में स्टेबल वर्जन इसका आ जाएगा, 5 महीने में। तो अगर स्टेबल वर्जन वगैरह आ जाएगा तो मैं इसका पूरा प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं अभी इसका पूरा एक छोटा ट्यूटोरियल बनाऊंगा, इसका एक स्मॉल मतलब ओवरव्यू बनाऊंगा कैसे यूज करते हैं वगैरह वगैरह, अगर आपने रिक्वेस्ट करा तो। तो ये सारी चीजें हैं पाईस्क्रिप्ट के अबाउट। तो पाईस्क्रिप्ट क्या है, क्यों मतलब कैसे वीट करेगा, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल गई होंगी। तो आज मतलब अगर इसके बारे में और जानना हो तो कमेंट करके बताना। तो आज मैंने पाईस्क्रिप्ट के बारे में बताया, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दें। तो गाइस, सी यू द नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।